बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, नीतीश कुमार की, जिनको लेकर गठबंधन में हलचल तो बहुत है, लेकिन आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो वर्चुअल बैठक होने वाली थी वो फिलहाल टल गई है। और माना यह जा रहा है कि इसी बैठक में नीतीश को संयोजक बनाए जाने का जो फैसला लिया जाना था, दरअसल उसी को लेकर शायद गठबंधन के साथियों में सहमति नहीं बन पाई है। अब किसी और दिन ये बैठक होगी, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। नीतीश को संयोजक बनाने के लिए आज ये बैठक होनी थी, लेकिन क्या गठबंधन के सभी साथी संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर राजी हैं? इसमें सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को लेकर था, क्योंकि पिछली बैठक जब इंडिया गठबंधन की हुई थी तो ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया गया था, इसी वजह से सस्पेंस था और अब आज बैठक टल गई। उधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं अभी बैठक की तारीख तय नहीं हुई है, सब लोगों से बात हो गई है, मिलकर तारीख तय करेंगे। सुनिए, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा, तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं, अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और तो मुद्दा है क्या? अभी सब लोगों से बात हुई है, डेट जो है सब लोग से बात करके वो तय करेंगे। तो अब सवाल आपके सामने ले आते हैं, ये नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे नहीं बनेंगे, इंडिया गठबंधन की मजबूरी है या नीतीश जरूरी है? अभी आपको लगता है कुर्बान सर कि किसी तरीके कोई शक की गुंजाइश या फिर संयोजक बनना नीतीश का पक्का माना जाए? मुझे तो ये भी लगता है कि नीतीश इंडिया में रह भी पाएंगे, यानी 14 जनवरी को अगर उनको इस्तीफा देना है और तेजस्वी को मंत्री बनाना है जो डील है, और अगर वो नहीं होती है तो नीतीश इंडिया में रह पाएंगे, इसी पर संशय है। और वो बीजेपी में पहले भी जाते जाते रहे हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो ये तो नीतीश को संयोजक बनना, तो मैं समझता हूँ कि इससे फॉरगॉन कंक्लूजन के वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई भी उनके नाम पर सहमत नहीं होगा। ठीक है, राजबिहारी जी। देखिए, नीतीश चाहते तो हैं बन जाएँ, लेकिन जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं, जैसे कि क्योंकि अभी तो वो अपनी जदयू को भी एकजुट रखने के लिए उन्हें खुद अध्यक्ष बनना पड़ा, तो अध्यक्ष बनने के बाद में और ख़ास तौर पे जिस तरह उनके सहयोगी दबाव डाल रहे थे उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से उन्हें हरी झंडी नहीं दी जा रही है। दूसरा, आज की बैठक टलने का कारण ये भी हो सकता है कि विपक्षी नेताओं को ये आशंका रही होगी कि कहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी ना हो जाए या कहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ना हो जाए, इस वजह से भी ये बैठक टाली गई होगी। और इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार अभी भी जिस तरह से विधानसभा चुनाव चल रहे थे लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे, ठीक है, उन्होंने कांग्रेस पर लगातार सवाल उठाए कि वो सीट शेयरिंग पर ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और वही बात कुर्बान साहब ने भी कही है, पलटने की गुंजाइश नीतीश कुमार की बाकी है या संयोजक बन जाएंगे? रोमान जी, मैं लाइटर नोट पे एक बात कह दूं कि नीतीश इंडिया में रहे ना रहे भारत में जरूर रहेंगे, लेकिन मैं सच्चाई ये भी है कि जो रियल मीटिंग हुई थी, रियल मीटिंग हुई थी जिसको मैं कहता हूँ कि ऑफलाइन मोड पे जो मीटिंग हुई थी उसमें खड़गे जी का नाम आना और अब वर्चुअल मीटिंग का टल जाना, इससे तो ये बिल्कुल लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। जो गठबंधन है उस गठबंधन में जो ये होना चाहिए, उसमें जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो बॉन्डिंग ठीक नहीं चल रही है। मुझे लगता है विजय जी इस बेहतर तरीके से बताएंगे कि ऑल इज नॉट वेल या ऑल इज वेल है या नहीं, ये तो गठबंधन के लोग ही बता पाएंगे, लेकिन परसेप्शन के मामले में यहाँ पर गठबंधन को लेकर वाकई में इमेज यही बन रही है कि ऑल इज नॉट वेल। विजय सर, रोमान जी, माफी के साथ एक कहावत है उत्तर प्रदेश में ज्यादा चलती है कि 9 कनौजिए 10 चूल्हे जी, डेरोगेटरी, मतलब कि 9 कनौजिए या एक जाति के 9 लोग एक साथ रहते ना, तो उनके घर में भी 10 चूल्हे बनते हैं, 9 नहीं रहते। तो वही हालत गठबंधन राजनीति की होती है कि उसमें ये कॉम्प्लेक्स इशू है, इसको हम लोग यहाँ मजाक में करते हैं, लेकिन जो लोग इसको डील कर रहे हैं उनके लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। और जब ममता जी ने जिस दिन खड़गे साहब का नाम लिया तो उस दिन उन्होंने नाम ही नीतीश कुमार जी की वजह से लिया था उनको बाहर करने के लिए। और उसके बाद नीतीश जी ने अपनी कोशिश की है, आज वर्चुअल मीटिंग टल गई, उसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। और लेकिन मुझे भी क्लोजिंग करनी है, तो मतलब वो माना जाए ना जो हिंदी फिल्मों का गाना है, बड़ी मुश्किल है डगर गठबंधन की। ठीक है, तो सियासी शो, देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2 देख रहे थे आप, हम सबको इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP News आपको रखे आगे।